इसने कबगाड़े ने इसने। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोकया, क्या कारण है? जी फ्लैश साहब सर। नहीं क्यों नहीं, इंडिया नहीं आए ये पंजाब भाई साहब, इंडिया नहीं आए? करियर रिकॉर्डिंग, करियर रिकॉर्डिंग से क्या था? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं आप पंजाब गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल है आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए? इंडिया। बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। आपकी बात कौन सी थी और क्या? इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं बताओ भाई साहब, ये धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? बकवास क्यों बोले आप? इंडिया में गलत क्यों कर रहे? बकवास क्यों बोले? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। मैं दास सरबदीप सिंह सेवादार परिक्रमा, जो पिछले दिन ही घटना हुई आ ड्यूटी ते, उस संबंधी मैं संगतों को दसना चाहुंदा हाँ कि जो सोशल मीडिया से वायरल की गई आ, उस लड़की ने स्कल्ट पहनी हुई सी, तो मैं उसनू गुरु की मर्यादा बारे दसिया कि पूरा शरीर नू ढक के पूरा जाइदा, लत्तां नू ढक के जाइदा, पर उन्हां वल्लों इस गल नू गलत रंगत दिती गई है। हरिमंदर साहब के हरेक का सत्कार है, मर्यादा पर मर्यादा सब तो अहम चीज़ है जो सानू हर एक संगत नू रखनी चाहिए है। तो जो सोशल मीडिया से मेरे सस्पेंड वालों कोई भी अफवाहों फैलाईया जा रही वो बिल्कुल गलत हैं, सो कृपा करके इन चीज़ों पर कोई ध्यान ना दिता जाए। मैं अपनी तनदेही ना ड्यूटी निभा रहा हाँ, हूँ भी मैं ड्यूटी पर जा रहा बस। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। शनिवार को मैडम हम अमृतसर गए थे, पहले वाघा बॉर्डर गए, फिर उसके बाद हम दरबार साहब में गए थे, तो मेरी गुड़िया लाइन में लगी थी, मेरी सिस्टर आई थी बाहर से, तो एक जो अपने सेवक थे उन्होंने कहा कि ये जो निशान आपके चेहरे पे लगा हुआ है ये फ्लैग, ये उतार के आओ। तो मेरी लड़की बोली भी ऐसा क्यों, ये तो इंडिया का फ्लैग है। वो बोले कि ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है, ये आप यहाँ से जा सकते हो, इंडिया नहीं है। उन्होंने थोड़ा गलत तरीके से बात करी, वो मेरे पास आई, मैं पीछे था मैडम, मैं लाइन में नहीं था, तो मेरे पास आई वो भी पापा ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं मेरे को। तो मैं उनसे पूछने गया, जो मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एन प्यार से बोला सरदार जी भी ऐसा क्यों कर रहे, तब भी उन्होंने वीडियो में यही बात की, मेरी बेटी का फोन या मारने की कोशिश करी या फोन छीनने की कोशिश करी, उनको पता होगा मैडम। तो अब उसके बाद कुछ वीडियो बाद में वायरल हो रहे हैं कि वो जर्दा दिखा रहे हैं। मैडम मैं पहली तो बात जर्दा खाता ही नहीं हूँ, दूसरी बात वो सारा उस घटना बाद मेरी सिस्टर बाहर से आई है, उन्होंने कमेटी मेंबर को बुलाया और उनसे बात की, कमेटी वाले जो मेंबर थे उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बात की, किसी ने भी कोई गलत बात नहीं की, स्टार्टिंग में ही उन्होंने मेरे से माफी मांगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपने मत्था टेक के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी गुड़िया थोड़ी नाराज हो चुकी थी, तो मेरी गुड़िया कह रही है पापा अब हम नहीं जाएंगे अंदर, अब हम घर चलते हैं। तो मैंने कहा बेटे ये तेरे बाप से मेरे फादर समान है और इतने प्यार से कह रहे हैं, तो आप जो, उन्होंने भी ये कहा भी आप ये फ्लैग हटा लो, तो मेरी गुड़िया थोड़ी कह रही थी भी नहीं हटाएंगे पापा। मैंने कहा बेटा इतने प्यार से कह रहे हैं ना, तो ये परमानेंट तो चेहरे पे रहेगा नहीं, आप उतार दो। तो मेरी बेटी ने उतार भी दिया और लाइन में भी लगी थी, थोड़ा मन उसका उदास हुआ। तो मैं फिर भी बाहर खड़ा था, तो क्या हुआ, तो मेरे को एक सरदार जी येलो जो अपना ड्रेस होती है उसको ले मेरे को दोबारा लेके गया वो, तो मेरे को उस डस्टबिन में दिखाने गया था कि ये देखो आपके इंडियन जो हैं यहाँ पे जर्दा बीड़ी सिगरेट लेके आते हैं। मैंने उनसे कहा भी मेरा तो कुछ नहीं है और ना ही मेरे को आपने लाइन से निकाला या मेरे से पकड़ा हुआ आपने, तब भी आप, मैं वीडियो देख रहा था मैडम, वैसे मैं लाइव होना नहीं चाहता था, पर तब ये मेरे घर वालों को भी टेंशन हुई भी क्या पता क्या इस बारे में आपके पास इल्जाम लगा देंगे, इस वजह से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। तो जो सेवक था, जो सेवाकार था, उसने भी मेरी वीडियो बनाई, उसने बनाई, मैंने कुछ नहीं रोक टोक की, बना ले, कोई गलत तो था नहीं मैं, तो अगर सच्चाई पता करनी है वो वीडियो भी वो वायरल कर दे जो उन्होंने मेरी बनाई है, ये तो किसी और पीछे बैक साइड से बना रहा है कोई मेरी वीडियो। दूसरा मैडम मैं ये चाहता हूं कि हिंदू सिख धर्म जो है हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरी धर्म से कोई भी किसी तरह की या गुरुद्वारा साहब से मेरी कोई भी मेरी वजह से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं वाकई माफी मांगता हूँ। और जो आपकी कमेटी है SGPC, उनके एक बुजुर्ग ने माफी मांगी, मेरी इच्छा नहीं थी उनसे, वो मेरे पिता समान, मेरे बाबे समान है कि वो मेरे से माफी मांगे, करो हम इतने बड़े आदमी हैं, वो फिर भी एक
एसजीपीसी के मेंबर हैं, गुरुद्वारा दरबार साहब कमेटी मेंबर हैं, मैं मेरे को शोभा नहीं देती कि वो मेरे से माफी मांगे। मैडम मैं तो सभी से, चाहे वो सिख हो या कोई दूसरे धर्म का हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तो जैसे किसी को भी ठेस पहुंची हो मैं उससे माफी मांगता हूँ। दूसरा एक चीज और बताई जा रही है कि ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। मैडम मेरी गुड़िया ने फ्रॉक डाली थी, उसके नीचे क्या बोलते हैं इसको, लेगिंग जो भी बोलते हैं, घुटनों से नीचे सी थी, इस वजह से नहीं मेरी गुड़िया निकाली थी, फ्लैग की वजह से निकाली थी। पर चलो क्या कारण है, क्यों उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो वह जाने या परमात्मा जाने। पर एक चीज और कहूं, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मैं उनको कमेटी मेंबर को भी बोला जो मेरे साथ थे, देखो किसी भी और किसी भी आदमी ने हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। कमेटी मेंबर के मैं उनका नाम नहीं जानता, बुजुर्ग थे, येलो पगड़ी थी उनकी, इतने प्यार से पेश आए मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ ये मंडे को हुआ, हम शनिवार को गए थे, हमें तो पता, बताता हूँ, पहले तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मैंने खुद तो बनाया नहीं, मेरी गुड़िया ने बनाया था। मैंने उनसे बोला था बेटा वीडियो बना लो, सच्चाई कोई दिक्कत ना आए हमें बताने में। तो क्या हुआ, गुड़िया जब वो हाथ से फोन छीनने का कारण था, उनका मकसद क्या था देखो तो सेवादारी बता सकते हैं। तो इसने तभी साथ के साथ अपने ग्रुप में सेंड कर दी व्हाट्सएप पे अपने कॉलेज फ्रेंड के पास। उसके बाद क्या, इसने इस वजह से नहीं की कि हमें कोई ये पब्लिसिटी चाहिए थी या कोई इस मकसद से या किसी को नीचा दिखाने की वजह। पहले तो मैडम जी मैं ये कहता हूँ कि अगर साजिश मेरी जैसे भी आप जांच करवाना चाहे, मैं दोबारा अमृतसर दरबार साहब में आने को तैयार हूँ। अगर 1% भी लगे, सीसीटीवी फुटेज भी आए या मेरा बैकग्राउंड देखा जाए या किसी तरह से, मैं सारी तरह से आपके साथ हूँ। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये धर्म का मामला इसमें ना बनाए। हम आस्था से गए थे, मेरी गुड़िया के सिर के ऊपर आपने देखा होगा फ्लैग, तो सभी ने देख लिया, मेरी गुड़िया के छोटे कपड़े भी देख लिए, या ये भी सोच लिया कि ये किसी और मकसद से आए थे। क्या वो सिर पे जो रुमाला साहब बंधा हुआ था उस पे निशान था, वो किसी ने नहीं देखा। दुख इस बात का है, हम सच्ची श्रद्धा से गए थे। पर एक चीज और बताऊं, उसमें सेवादार का भी कोई कसूर नहीं है, कमेटी मेंबर का भी कोई कसूर नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि भी सूखना कबूल नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आपदा हमारे से क्या पाप हुआ हो, तो दरबार साहब ने हमें इजाजत नहीं दी अंदर बढ़ने की। मैं तो ये कहूंगा ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। देखो सेवादार के साथ क्या कारण, क्यों इस तरह की बातचीत कर रहे भगवान जाने, पर सेवादार भी जब मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं, मेरा तो अंदाजा भी फ्री में ही करते होंगे बेचारे सेवादार। वो गर्मी की वजह से या कोई कारण, किसी और से लड़ाई पड़ गई, वो गुस्सा हमारे पे निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे जिस तरह भी कह रहे थे कि उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी बदली कर दी, मेरी कोई भी इस तरह की इच्छा नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जाए या उसकी बदली की जाए। एक रिक्वेस्ट है, देखो मैं भी इस भारत का वासी हूँ, इंडिया का वासी हूँ, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि देश के प्रति भी मैं थोड़ा चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा ना कहा जाएगा जिससे ये हमें भी ठेस पहुंचे। बस इतनी की विनती है उन सबसे, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं, वो किसको अच्छा समझते हैं। मैं तो अपने देश को, इंडिया को, जिसमें मैं पैदा हूँ उसको अच्छा समझता हूँ जी, उसी ने मैं पैदा किया और उसने ही मैं इतने साल का स्वस्थ आज तक मेरा रखा। पार्टियां सरकारें आती जाती रहेंगी, फ्लैग की वजह से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का एजेंडा है। मैडम मैं आपको बताऊं, वोट पाने का मेरा अधिकार है, मैं चाहे कांग्रेस को पाऊं, चाहे बीजेपी को पाऊं या कोई और तीसरी पार्टी को पाऊं, पर अभी तक मेरा कोई भी पार्टी, यानी कि मैं सरपंच रहा हूं जी, दो प्लान, मैं कांग्रेस के टाइम में भी सरपंच रहा हूं, बीजेपी के टाइम में भी सरपंच रहा हूं। मैडम कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है कि मैं किसी, कोई मेरे पास पद है पार्टी का, किसी का भी कुछ भी है। तो बस मैं तो ये इसको ज्यादा ना कहते हुए भी कोई गलत ना, उसकी चेकिंग कर ले, मेरे को जहां बुलाना चाहे मैं आने को तैयार हूं। अगर वो सेवादार ये कह दे कि मैंने उसके साथ कोई गलत व्यवहार, सरदार जी कह के मैंने उसको बातचीत की, एक रिक्वेस्ट है, जब सेवादार है ना तो सेवा की भावना से ही सेवा करें। अगर थक चुके हैं या कोई प्रॉब्लम होगी शारीरिक तो दूसरे को लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेस मैडम ना मेरे पास, मैं आपके पास फोटो भी भेज दूंगा मेरी गुड़िया की, क्योंकि हम वाघा बॉर्डर गए थे, वही सेम ड्रेस है, 9 बजे के और 9:30 रात के टाइम हम सीधा डायरेक्ट गुरुद्वारा दरबार साहब में आए। तो उस ड्रेस को आप देख ले, घुटने से नीचे उसने जो अभी बोल रहे थे क्या था वो, लेगिंग जो भी बोलते होंगे मैडम, मेरे को हम देसी बात, पहले तो मैं जिस जैसे ये यूज कर रहे गलत शब्द, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अपने भाईचारे में कोई भी ऐसा ना करे। सोशल मीडिया आसान तरीका होगा, किसी को जो मर्जी कह ले, पर एक पंचायती तरीके से कह रहा हूँ, ये देश हमारा है और सभी का है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, तो हमें किसी भी जाति के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। हम सब भाई हैं,
और जैसे सिख की बात करते हैं जी, सिखों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, जैसे अभी गुरु प्रबंधक जी कह रहे थे, पर सभी धर्मों ने दी है कुर्बानियां, किसी ने थोड़ी दी किसी ने ज्यादा दी, ठीक नहीं है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती किसी ने ज्यादा दी, पर आप इस तिरंगे के लिए दी कुर्बानियां। आज भी हमारी फौज बॉर्डर पे खड़ी है, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं और इस तिरंगे के लिए ही वो खड़े हैं, ना कि किसी धर्म के लिए खड़े हैं वो। तो दूसरी बात, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं, मेरी पैदाइश ही हरियाणा से है जी, गांव मेरा लखनौरा है, तहसील रैनगढ़ है, जिला अंबाला है। मैडम जी मैं नहीं आना चाहता था, पर अब कहीं जर्दे में जोड़ दिया मेरे को, कहीं मेरी गुड़िया के छोटे कपड़े बता दिए ड्रेस कोड। पर एक चीज कहूँ, देखो मैं गलत भी हो सकूं, क्योंकि मैं तो एक क्लियर करना चाहूं, अगर मैं गलत हूं या मेरी गुड़िया गलत है ना, तो आप मेरे ते प्रूफ दें और मैं सारी तरह से माफी भी, और जो भी सजा एसजीपीसी या कमेटी के मेंबर देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं, जैसी भी देंगे वो, ऐसी बात नहीं है, मेरा पाप तो धुल जाएगा जो मैंने किया है, पर ये झूठी जुबानी तो नहीं बात बनेगी ना, वहां पे कैमरे भी लगे हैं सीसीटीवी मैडम, मैं लाइन में लगा हूं तब बता दो, मेरे से मेरी पॉकेट से कोई चीज निकली हो तब बता दो, तो ये तो क्लियर करनी चाहिए। देखो मैं भी एक, मेरी भी कोई इमेज है, मेरी बेटी की भी इमेज है, आपको सच्चाई बताऊं, थोड़े रिश्तेदार हो गए सारे कह रहे भी बच के रहना, बाहर न जाना, इस तरह ना करना, मेरे लिए भी तो समस्या है मैडम जी। जी जी जी, एक ही जवाब दूं मैडम, मेरी गुड़िया ने सर पे वो डाला हुआ था, उनको यही जवाब है, तो उसकी उसको मेरे तिरंगे से भी ऊपर था वो, अगर हमारे मन में कुछ भी ठंडा था, अगर हमारी धार्मिक विचारधारा अच्छी नहीं थी, तो मैडम मैं एक सच्ची बताऊं तो फिर वो भी मेरे सिर पे नहीं होता, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जी, जितनी सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही हम करते हैं, वो हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो हम किस तरह उल्टा सोच लेंगे और किस तरह हम किसी संगठन से जुड़ जाएंगे। देखो राजनीति एक अलग चीज है, मनु नहीं पता किस तरीके से कौन क्या कराया, जो मेरे दिल में मैं तो वही कह सकूं मैडम जी। हाँ मैंने विरोध कराया एक चीज का, सिर्फ इंडिया की बात कर, कोई उसके अंदर सिख की बात आई हो, खालिस्तानी की बात आई हो, या सरदार की बात आई हो, सरदार जो सेवादार है मैं आज भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ जब तक उसके सिर पे पगड़ी है। वो क्यों इल्जाम लगा रहा है, मैं फेस टू फेस मिलने तैयार हूँ, मैं दोबारा आने तैयार हूँ, जहां भी बुलावा जिस मंच पे बुलावा, मैंने उस टाइम भी उससे प्यार से बात करी, मेरी गुड़िया थोड़ी थी गुस्से में, वो भी देखो छोटी है, उसकी छोटी एज है, और कईयों ने वो फ्रेंड बता दिया मेरे को, कईयों ने मीडिया पे दोस्त बता दिया, किसी ने भाई बता दिया, मैं उसका फादर हूँ जी, मेरी गुड़िया भी कोई किसी तरह की सोशल में मैं दे दूंगा नंबर, देख लेना कि कितनी एक्टिव है वो फेसबुक पे किसी पे, अच्छे परिवार से हैं जी, मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब है जी, उदाहरण दूं, मेरे जीजा जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरी सिस्टर मेरे पीछे बैठी है, वो 1 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने हयात होटल की पहले से ही बुकिंग ऑस्ट्रेलिया से करवाई थी मैडम, हयात होटल में हम रुके अमृतसर के, तो 6-7 साल के बाद आई है जी, मैं उसको लेके सबसे पहले, आप मानेंगे, पहले यानी रिश्तेदारियों में लेके गया, उसके बाद अमृतसर 15-16 की बुकिंग थी इनकी, पहले हम वाघा बॉर्डर गए, उसके बाद मेरी सिस्टर ने ही बोला मेरे को कि मैंने स्वर्ण मंदिर देखना है, गुरुद्वारा साहब में जाएंगे हम, श्री गुरुद्वारा साहिब में, क्योंकि इसकी जितनी फ्रेंड है सिख कौम से है, जहां रहती है मेलबर्न में, तो वो पूछेंगी मेरे से कि तू वहां गई थी या नहीं गई थी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, साजिश कहां से होगी, और मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी सिस्टर के सारे सर्कल देख भी लियो, अगर होगा तो सारे सिख समाज से है, तो कैसे साजिश कर लेंगे हम, फिर तो हमें उनसे भी टूटना पड़ेगा जिनसे हमारे पारिवारिक रिलेशन है,